हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो वी मेट अगेन. कैसे हो बच्चों आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन. तो हम लोग 1 बजे आज मिल चुके हैं अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके नंबर वन चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर. और आज हम लोग लेने वाले हैं नीट 2020 पे बेस्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस. कल के बाद से मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डलवा दूंगी, जैसे 45 फिजिक्स एंड 45 केमिस्ट्री, और आपको पूरे 3 घंटे दे दूंगी. पहले फिजिक्स केमिस्ट्री की आप अपने हिसाब से सॉल्व करना, फिर बायोलॉजी के 90 मैं करवा दूंगी. फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं बैठ जाऊंगी, आप लोग सॉल्व करते रहना, जैसे कि जब 13 सितंबर को अभी जो होने वाला एग्जाम है नीट का वो हो, तो आपको कुछ भी घबराहट और इल कॉन्फिडेंस बिल्कुल फील ना हो. ठीक है, यही अप्रोच है रोज का टेस्ट लेने की. आज भी टेस्ट है और कल भी टेस्ट होगा. 1 बजे का टाइम मैंने दिन में फिक्स कर दिया है. अभी यूट्यूब पे टेस्ट चल रहे हैं चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर. बच्चों नंबर वन चैनल है, अभी के अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, मेरे बारे में जान लो. मैं हूँ आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी. बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, 7 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, अब तो 8वां साल चल रहा है. और ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको जितनी जल्दी ज्वाइन कर लो, जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतना अच्छा है. ठीक है, जितनी हाँ अन अकेडमी ऐप पर भी लूंगी, अब तो लाइव क्विज के ऑप्शन भी हैं, वो भी लूंगी. वो क्विज में कल या परसों से आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगी. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं. चलिए, खूब सारे बजे गए. हेलो सब लोग, बच्चों कैसे हो? अपना ध्यान तो रख रहे हो ना? प्लीज ध्यान रखना यार, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना खूब सारा ध्यान रखो. टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके अभी के अभी ज्वाइन कर लो. मैं बहुत अच्छी हूँ बच्चों, आप लोग कैसे हो? दूसरी बात बच्चों, जो भी बच्चा ईयर लॉन्ग का है या आफ्टर 13 सितंबर, वॉट एवर बी द सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे पढ़कर अब नीट निकालना है, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो और ले लो नीट यूजी का 1 साल का और 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जो कि बेस्ट से बेस्ट है. कोड पूछेगा रेफरल कोड MB10, अप्लाई करो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. मेरे पर्सनल बैच में भी आ जाओगे, प्लस कोर्स के साथ भी जुड़ जाओगे, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, कोड अप्लाई करना है MB10. दूसरी बात, ये कोड यूनिवर्सल है, दुनिया का कोई भी कोर्स आप अन अकेडमी पे खरीदें, परचेज करें. भाई अन अकेडमी आपको हर फील्ड में बेस्ट दे रहा है, IIT का खरीदे, UPSC का खरीदे, SSC का, सब में आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन नीट UG में अगर आपको मुझसे ही पढ़ना है, तो आपको यही कोड अप्लाई करना है MB10. ठीक है, चलिए, ये हमारा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 5 है. फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट मैंने स्पेशल क्लास में लिया था ऐप पर, फोर्थ टेस्ट कल लिया था, आज 5 टेस्ट है. ठीक है, और रात में 8 बजे वाला जो बैच कोर्स चलता है ईयर लॉन्ग 2021-2022 के लिए, वो मत भूलिएगा. आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एक सेकंड, लाइट गई हुई थी तो लाइट आ गई है. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस. ठीक है, अब आवाज आ रही है. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. ठीक है, चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा अब पढ़ने पे ध्यान दे लें. लास्ट में मैं आप लोगों सबसे बात कर लूंगी 5-10 मिनट लेकर, पहले हम लोग ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 5 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर लवली विशेज, इट मीन्स अ लॉट. मैंने कल भी कहा था, एक एजुकेटर अपने में जो भी हो, लेकिन जब बच्चे उसके सेशन में आते हैं तो लेवल कुछ और ही होता है. ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें. फर्स्ट का क्या होगा स्टूडेंट? देखो, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम है, 90 क्वेश्चंस करने वाले बायो के फुल सिलेबस नीट पर. कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम है एज अ यूनिट फ्रॉम बोथ ऑफ स्प्रिंग्स. आप दोनों पेरेंट से ले रहे हो, क्या चीज लोगे आप? जीनोम. ठीक है, चलो,
क्वेश्चन नंबर टू, इन विच इंडियन स्टेट नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड, बताइए। नहीं बेटा, कैरियोटाइप क्यों होगा? कैरियोटाइप तो सिर्फ न्यूक्लियस का होगा ना, जीनोम मतलब जो भी सब कुछ सेल के अंदर है वो सारा पेरेंट से ले रहे हो ना। बच्चों आ जाओ, कहां पर लोकेटेड है नंदा देवी नेशनल पार्क, बताइए। क्वेश्चन नंबर टू का बताइए। नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस वन, बताइए। आज पांचवा है ना, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां, इतने मॉक टेस्ट होने वाले हैं अभी, ठीक है। हुआ तो कल परसों से दिन में दो मॉक टेस्ट ले लेंगे, एक अभी जैसे 1 बजे ले लिया, फिर कभी 5-6 बजे ले लेंगे, ठीक है। ऐसा लगा कि भाई एंड में और देना है तो, ठीक है। कौन सी नहीं होगी, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस, कौन सा इवेंट होता है अगर आप देखेंगे तो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम एंड दैट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल डज नॉट कॉज नेक्रोसिस, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले, MB10 कोड है, अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है, अपना ध्यान रखें, बहुत कुछ आने वाला है अभी टेस्ट के फॉर्म में, टेलीग्राम पे जुड़े रहें मीतू भावनानी से। यस, बिल्कुल सही बोला। क्या होगा स्टूडेंट फोर्थ का, नॉट कॉज नेक्रोसिस, कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस नहीं होगा? सल्फर, नेक्रोसिस मतलब येलोइशिंग आना, ब्लड सप्लाई की कमी होना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, PDF शेयर कर दूंगी, कल वाले की भी कर दी थी, अभी वाले की भी कर दूंगी खत्म होते से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं बेटा, पोटेशियम नहीं होगा, सल्फर होता है। क्या होगा फिफ्थ का भाई, क्या ट्रू नहीं है? ऑल्सो नोन एज सोमैटोजेनिक, ओके। इवोल्यूशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि नो वेरिएशन, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं इसके अंदर, गेटिंग माई पॉइंट। इट इन्वॉल्व्स मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन, इसमें सिर्फ माइटोटिक होता है, सेक्सुअल में माइटोटिक और मियोटिक दोनों होता है। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन साइकस, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन नीट में आ जाए तो मैम पार्टी देगी, पहले ही तय है, MB मैम पार्टी देने वाली है, ओके। टेलीग्राम लिंक जाते टाइम एक बार दोबारा दिख, चलो क्या है सिक्स्थ का, साइकस में किससे होगा? एनिमोफिली से, एयर। द कैटेलिटिक कन्वर्टर्स फिटेड इन व्हीकल्स कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू, आपको याद है कैटेलिटिक कन्वर्टर हम लोग व्हीकल्स में लगाते हैं जिससे कि हम जो हाइड्रोकार्बन्स को प्रॉपरली बर्न कर सकें, एंड वी डिवोट वेरी लेस टू द एयर पोल्यूशन। बताइए किस में कन्वर्ट करेगा? वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके। CO2 इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, बताइए। एनिमोफिली किससे, जैसे हाइड्रोफिली है वॉटर से, एनिमोफिली किससे है आपका? एयर से। एट्थ का बताइए। CO2 इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? इट इज ट्रोपोस्फेयर। और अगर मैं ओजोन पूछती तो, इसमें ओजोनोस्फेयर। एक क्वेश्चन से आप 2 से 3 क्वेश्चन फैच आउट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स और फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी इज इनकरेक्ट, प्रोडक्टिविटी, बायोमास बनाना, खाना बनाना, उसके टॉपिक पे गलत है ये चीज,
एंटोमोफिली, एंटोमोफिली किससे होती है? इंसेक्ट्स. चिरप्टेरोफिली बैट से. एंटोमोफिली इंसेक्ट से. फ्लावर कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए बहुत ज्यादा. नाइन का बताइए. इंक्रीजेस फ्रॉम पोलर टू ट्रॉपिक, बिल्कुल, जहां पेड़ पौधे होंगे. हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल, बिल्कुल सही है. टेम्परेचर लोअर नेट प्राइमरी, जितना कम होगा टेम्परेचर उतना नेट प्रोडक्टिविटी कम होगी. तो विच ऑफ द ट्रेंड्स इज इनकरेक्ट? प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिटोरल टू प्रोफंडल जोन ऑफ लेक, नॉट एट ऑल. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, ये इनके साथ मैच नहीं करते, बताइए. मैं तो जब आप लोगों के साथ मिलती हूँ ना, मुझे इतना मजा आता है ना, और वैसे दिन भर घर में बैठती हूँ, जब तक सेशन लगता है, अरे सेशन हो, सेशन हो, सेशन हो, सेशन हो, तो बस. क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? ये मिसमैच्ड है. ट्रॉपिकल सवाना कतई भी निडल लीफ ट्रीज नहीं रखता. नाउ द फ्लावर्स ऑफ फैमिली ऑफ क्लास मोनोकॉटिलिडन हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस ट्राइलोक्यूलर ओवरी विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला फिट टू द फैमिली, जिस भी फैमिली के फीचर्स हैं उसका फ्लोरल फॉर्मूला आपको बताना है. अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देती हूँ. ये रहा, ये प्लस है, ठीक है, इट इज अ डैश थिंग. ओके, बताइए इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? भाई डायरेक्ट आपको फ्लोरल फॉर्मूला बताना है, डायरेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है. इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, पढ़ के क्या बट डिफिकल्ट बना देते हो उसको. सिर्फ आपको ये दे रखा है, आपको इसका पहचानना है. ट्राई वर्ड लिखा रहा है, ट्राई कार्पिलरी लिखा है, ट्राई लोक्यूलर लिखा है, तीन तीन पे फोकस करो. Why were bacteria considered to be plants? बच्चों फटाफट आ जाओ, खूब सारे तो आ गए, बहुत सारे आ जाओ. PDF मैंने कल की कर दी थी टेलीग्राम पे, मेरे जो मेरा अनअकैडमी से रिलेटेड है, अभी वाला भी कर दूंगी. क्या होगा? Why were bacteria plants की तरह considered? भाई they contain plastid, ऐसा नहीं था. दे आर कॉस्मोपोलिटिशन इन डिस्ट्रीब्यूशन. सिर्फ रिजिड सेल वॉल को देख कर ऐसा कहा गया कि बैक्टीरिया को भी प्लांट्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में भी सेल्यूलोज रिजिड और नॉन लिविंग होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वायरस? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वायरस? अनअकैडमी लाइव क्विज भी स्टार्ट हो गया है, कल से वो भी खिलवा दूंगी, कल से उसी ही तरीके से खेलेंगे, ठीक है. आज मैं भी को प्रिपेयर कर लूंगी. बताओ क्या होगा? ट्रू फॉर वायरस, भाई लिविंग पूरी तरीके से नहीं है, देयर रेप्लिकेट इनसाइड एनिमल्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दोनों में प्लांट में भी कर सकते हैं. क्वालिफाइड मोजाइक वर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दे आर सराउंडेड बाय पेप्लोमर्स, ये एग्जैक्टली सही है. नाउ द इंफॉर्मेशन इन विच ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंट द करेक्ट प्लॉइडी एंड द टाइप ऑफ डिविजन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू ड्यूरिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड. भाई ये आपका क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम. अब आपको क्या करना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाना है. तो कौन सा डिवीजन होगा और उसकी कौन सी प्लॉइडी लेवल होगी, बताइए. क्या होगा स्टूडेंट्स? भाई एनसे यू कैन नॉट डू हेयर माइटोटिक. 2N से माइटोटिक करोगे तो आपको माइक्रोस्पोर नहीं मिलेंगे, लेकिन 2N से मियोटिक करोगे तो मिल जाएंगे.
Which group of bacteria resembles fungal mycelia? It is a very very easy question. कौन सा बैक्टीरिया फंगस के रिसेंबल करता है? बहुत इजी है, डायरेक्ट आंसर लगता है एक्टिनोमाइसिटीज, क्योंकि जहां पर माइसिटीज वर्ड आता है वहां पर माइसीलिया जुड़ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज इलस्ट्रेटेड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर? बताओ. इन डॉग फ्लावर इट इज अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. वॉट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज? थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ जिससे कि आपका नीट का पेपर छूटे नहीं. ठीक है, छूटना भी तो नहीं चाहिए ना भाई. सिलेक्शन कैसे होगा? कॉन्फिडेंस है, हेल्थ ठीक है, ये तो है, लेकिन वहां जाके नेगेटिव करके आ गए हो या वहां जाके टाइम मैनेजमेंट नहीं करा तो फिर कैसे होगा? तो ये सारी चीजें डलनी चाहिए साथ में. सारों का तड़का लगेगा तो दाल बहुत बढ़िया बन जाएगी वहां पर. एसिटा एल्जीहाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट्स इज वॉटर सोल्यूबल? कौन वाटर सोल्यूबल है? ये भी डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट निकालने वाला है. कैसे निकालोगे आप? फाइकोबिलिन, 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 फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, दे आर वाटर सोल्यूबल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विसेंट सेंटर इज इनकरेक्ट? क्विसेंट सेंटर होता है ना, जब सेल के बारे में बात करते हैं हम लोग रूट के बारे में बात करते हैं, तो क्या उसके बारे में इनकरेक्ट है? बताइए. बिल्कुल, अगर क्विसेंट है तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट, हाई प्रोटीन डीएनए कंटेंट, कोई लॉजिक ही नहीं लगाता इसके साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर लेटरल मेरिस्टेम? ये अपना अपेक्स वाला होता है, फिर ये साइड में लेटरल चला जाता है जहाँ से आपकी लीफ बर्ड निकलती हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट लेटरल मेरिस्टेम के लिए गलत है? गलत कौन सा है? इंक्लूड वैस्कुलर कैम्बियम ठीक है, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ ठीक है, सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली साइड में, ऑलवेज प्राइमरी इन ओरिजिन, हमेशा प्राइमरी नहीं हो सकता. द गिवन स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू रूट्स. ये पांचों स्टेटमेंट रूट के बारे में बताए गए हैं. द इंफॉर्मेशन इन विच ऑल्टरनेटिव इज ट्रू रिगार्डिंग रूट्स. इन पांचों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रूट्स के लिए. बताइए. क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट ठीक है, रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट ठीक है, आउटर सेल्स ऑफ मेरिस्टमेटिक जोन्स नहीं, एसिमिलेटरी रूट्स स्टिल्ड रूट ओनली फर्स्ट एंड थर्ड प्रेजेंट, सिर्फ ये दोनों कथन ही सही हैं इनके लिए. Which infectious particle lacks genetic material? Which infectious particle lacks genetic material? Prions. ठीक है बच्चों, रात में 8 बजे वाले बैच कोर्स में भी आना है. ईयर लॉन्ग जो चलता है 2021-22, 12th का चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेट्स क्रैक न्यूट्रिज, पर पता ही है आप लोगों को 11th भी जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ. ठीक है, फर्स्ट अ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज डैश इंटू नाइट्राइट. तो अगर सारे कोर्सेज इंजॉय करने हैं तो टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ नीट यूजी 1 or 2 year MB10 कोड है. बताइए क्या करेगा? नाइट्रोसोमोनास कम्युनिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस अमोनिया इंटू नाइट्रेट. ये सिर्फ एक सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में.
बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म द बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम ऑन RER. जैसे ये आपका RER है, ठीक है ना, रफ वाला है एंडोप्लाज्मिक, इसके ऊपर राइबोसोम बैठा हुआ है. तो ये पूरा क्या है आपका RER. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडिंग साइट कौन बनाएगा बताइए, कौन बनाएगा बाइंडिंग साइट? इट इज ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन. विच टाइप ऑफ वाटर हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल? दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, प्योर वाटर जिसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट डालोगे, धीरे धीरे वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, साई डब्ल्यू एंड साई एस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीशीज इज नॉट करेक्ट? स्पीशीज के लिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है, बताइए बच्चों, फटाफट ज्वाइन कर लो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चल रहा है, 26 क्वेश्चन तो हो गए हैं, 90 है, जल्दी खत्म हो जाएंगे. ये देखो, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लोज रिलेटेड इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इंटरब्रीड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है. मोस्ट केसेस पूछा है कि कभी कभार इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं, कि जैसे बच्चे पैदा हुए, बच्चे आगे और बच्चे नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं है ना, इसलिए ये इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म शो हिटरोथैलिज्म? शो हिटरोथैलिज्म, थैलस है, अलग अलग तरीके का है. एगेरिकस कोलिटोट्रिचम, अल्टरनेरियन सेकेरोमाइसिस, राइजोपस एंड सेकेरोमाइसिस, या ट्राइकोडर्मा एंड अगैरिकस? इट इज राइजोपस सेकेरोमाइसिस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरा लाइन का. अंडरग्राउंड स्टेम कैन नॉट, एक्चुअली इट इज स्टेम, सॉरी, अंडरग्राउंड स्टेम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट ऑन द बेसिस ऑफ? बताइए. उसमें क्या ऐसा नहीं होगा? ये होगा भाई, होता है, ये होता है, ये होता है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ C3 प्लांट्स? जो 3 कार्बन ग्लूकोज दे रहा है स्टेबल कंपाउंड, उसको C3 प्लांट बोल रहे हैं. तो कौन सी एक्टिविटीज है जो उसका यील्ड बढ़ा रही है, बताइए. इंक्रीजिंग CO2 इन एटमोस्फेयर, बिगेस्ट रोल इन दैट साइकिल. विच प्रोडक्ट वो डेवलप्ड बाय अहमद खान फ्रॉम रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक? ये एक तरीके से एक्स्ट्रा जीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बिटुमिन, डायरेक्ट लर्न कर लो इसको. इन ऑर्चिड्स ईच एंथर प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक मास ऑफ पोलन नोन एज, बताओ. ऑर्चिड्स में पूछा गया है पॉलिनियम, ठीक है. विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ओपेलिना? इज फाउंड इन ओपेलिना. भाई रीजनरेशन भी है एक हमारा, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन भी होता है, उसके एग्जाम्पल्स आपको पता है. तो अगर किसी के नहीं भी पता है तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑड वन आउट है. प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी आपके फंजाई में भी होती है. विच ईस्ट इज फाउंड नेचुरली ऑन ग्रेप्स, जिससे कि बेवरेजेस भी बनते हैं, बताइए.
जिससे कि बेवरेजेस भी बनते हैं. सैकेरोमाइसिस एलिप्सोइडियस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम इज करेक्ट? फाइब्रस रूट सिस्टम नॉट अराइजेस फ्रॉम रूट बट फ्रॉम द स्टेम एंड सच अ गुच्छा लाइक रूट सिस्टम. फाइब्रस, बताओ इज करेक्ट? अगर रूट रेडिकल से डेवलप हुई, वैसे तो प्रॉपर स्टेम बेस से होनी चाहिए, अगर डेवलप्ड हुई तो वो सिर्फ शॉर्ट लिव्ड होगी. बताओ, ये एक आपका फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? आपको इस फॉर्मूला पे फिट हुआ हुआ फ्लोरल डायग्राम बताना है. बताओ. हेलो एवरीवन, बच्चों बहुत अच्छा खेल रहे हो, खेलते चलो. अब रेगुलर मॉक टेस्ट होने वाले हैं, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन तो होंगे ही. मैं दो टेस्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के भी डलवा देती हूँ, जिसमें 45 फिजिक्स 45 केमिस्ट्री, वो आप लोग ही सॉल्व करना. थोड़ी देर में आपको दे दूंगी, बैठ जाऊंगी, आप लोग करना, फिर 90 अपन करेंगे, ठीक है? उससे आपको फील आ जाएगा कि येस आई एम गिविंग द टेस्ट ऑफ प्रॉपर नीट. इसका आंसर क्या होगा अगर आप इसको देखेंगे तो इस वाला बैठेगा. अगर आप इसका प्रेजेंटेशन देखोगे, ओवरी का ट्राई कार्पिलरी पेंटा कार्पिलरी, तो ये बैठ रहा है इसके साथ, ठीक है? इन चीज़ों में क्या है, एग्जामिनेशन में इतनी चीज़ें नहीं याद आती हैं, तो कुछ फ्लोरल फॉर्मूलाज विथ डायग्राम्स बिल्कुल रट के चले जाओ, तुम वहीं पर सही कर दोगे. क्योंकि वहाँ पर अगर बनाने बैठोगे तो भी टाइम वेस्ट होगा. तो मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बता रही हूँ एंड मोमेंट पे नीट को जल्दी क्लियर करने के लिए. 2NH3 plus CO2, 2NO2, 2H plus 2H2O, ठीक है? क्या होगा, क्योंकि एंड मूवमेंट पे नए कॉन्सेप्ट नहीं बनाइए, जो पढ़ लिया है बस उसी को ही पक्का कर लो. फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, नीट फोड़ के आओगे तुम लोग. द अबव मैंशन रिएक्शन इज कैटलाइज बाय, इस रिएक्शन का कौन कैटलिसिस करेगा? होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई लिटरली वॉन्ट टू से टू ऑल ऑफ यू. क्या होगा इसका? नाइट्रोसोमोनास, क्योंकि आपका नाइट्राइट आ गया ना. विच पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विथ कैंसर एंड एजिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? कौन कर रहा है? इट इज टीलोमेयर. गिवन हेयर आर थ्री स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल. ये सेल साइकिल से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है? बताइए. ठीक है, इसमें एक लाइन मिसिंग है, आपको बताना है. एक लाइन मिसिंग हो गई है, लिख लो. विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं सेल साइकिल, बताइए कौन से करेक्ट हैं. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों. लेट कैसे हो गए, कैसे हो गए लेट यार? भाई आप मुझे बताओ, सिंथेसिस सिर्फ एस फेस में होगा? एस फेस में डबल नहीं होता है, सेपरेशन G2 में नहीं होता है, तो ओनली वन ही तो सही है. चलो, बेसल फुट लेयर एंड टेक्टम आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स? सॉरी, किससे रिलेटेड है बेसल फुट लेयर एंड टेक्टम? माइक्रोस्पोर, ठीक है. What would be the possible blood group of a child whose mother has blood group B and father has AB? ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप B है और फादर का ब्लड ग्रुप AB है. बताओ बच्चे में क्या क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप आएंगे, टेबल को देखो और बताओ. भाई B है तो
तो अगर बी का आप एंटीजन देखोगे तो बच्चे में भी बी जा सकता है, ए बी में कोई दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंटली बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा? बी वाला आएगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो द इफेक्ट ऑफ फोटोस्ट्रेटिफिकेशन? आ जाओ बता दो। इसमें जोन्स होते हैं आपके, लिम्नेटिक जोन, लिमोटिक जोन और प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन में सिर्फ और सिर्फ आप हिटरोट्रॉप्सी देखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल एट द सेम टाइम इन द सेम इकोसिस्टम? मतलब ये ऑर्गेनिज्म दो मल्टीपल फूड चेन्स में हो सकते हैं और फूड वेब भी बना सकते हैं, बताइए कौन सा वाला होता है? ज्यादातर कौन बना सकते हैं? ज्यादातर एक ही टाइम में दो में कौन प्रेजेंट रह सकते हैं? स्पैरो एंड बियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन? ओके, लाइट गई है, मैं इन्वर्टर बंद करती हूं, रुको, करो इसको। चलो भाई, मैंने इसकी आवाज बंद कर दी, वरना टू 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 चलती रहती इसकी। क्या होगा इसका? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर सस्टेनेबल पॉपुलेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रैकीड्स एंड वेसल्स? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स से रिलेटेड क्या सही है? ट्यूब की तरह है, पाइपलाइन की तरह है, मल्टीसेलुलर, ठीक है, बोथ मेंबर्स ऑफ फ्लोएम, करेक्ट बताना है, फ्लोएम के नहीं होते हैं, सेप्टा बिटवीन। ल्यूमन ऑफ ट्रैकीड इज नैरो एंड वाइड इन वेसल्स। हाउ मेनी लॉन्जिट्यूडनल पेरिफेरल फाइबर्स आर फाउंड इन अ सेंट्रियोल्स? बताओ। 9 होंगे, 9+2 अरेंजमेंट चलते हैं ना हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक? देखिए हाफ सेंचुरी भी होने वाली है क्वेश्चंस की। इसका क्या होगा? नॉट करेक्टली मैच्ड, प्यूरोबैकिया कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ल्यूमुलस में कॉक्सल ग्लैंड होते हैं, मेल कैरेक्टर क्लास पर, ओरेलिया में नहीं होते क्योंकि ओरेलिया तो पहले ही आ गया ना आपके टीनोफोज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसल्स इज करेक्ट? तो फुल सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूडेड भी टेस्ट होने वाला है, ठीक है, और कल या परसों से हम लोग दो दो टेस्ट रख लेंगे, ठीक है, 90-90, जैसे एक बायो का 90 हो गया, एक फुल सिलेबस हो गया। करेक्ट है, नहीं ये गलत है। स्ट्राइटेड मसल यूनिन्यूक्लिएट है? नहीं। स्ट्राइटेड मसल में कार्डियक मसल आर वॉलेंट्री? नहीं। स्ट्राइटेड मसल एसोसिएट विद लोकोमोशन वाइल स्मूथ मसल फाइबर विद इंटरनल ऑर्गन विसरल, ये बिल्कुल सही है। स्ट्राइटेड बैंडेड होते हैं, स्मूथ नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एड्स? बताओ बच्चों। ये मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड करिए, ये आपको एक ज़रिया देते हैं कॉन्फिडेंस का। टाइम टेबल के लिए मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, नीतू भावनानी से, जाते टाइम में लिंक बता दूंगी, यहाँ पर भी लिख देती हूँ एक बार। ये ज्वाइन कर लो, ठीक है, पूरा स्केड्यूल उसी दिन का रात में डल जाता है,
48 का क्या होगा स्टूडेंट्स? इनिशियली कौन सा टेस्ट कराएंगे हम लोग? एलाइजा, ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम्स, विटामिन एंड हॉर्मोन्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल एज दे बच्चों अनअकैडमी में मैं चारों क्लासेस की बायोलॉजी पढ़ाती हूं, 9, 10, 11, 12. किससे रिलेटेड है? हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शन. ये मेटाबॉलिज्म है, जैसे भाई कोई है कैल्शियम, तो कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में भी आ रहा है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आ रहा है, ठीक है. चलो, द बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स इन ए डीएनए, ये जैसे आपका ये टर्न है तो इसमें कितने बेस पेयर आएंगे? इसका नहीं याद है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट नंबरिंग के लर्न कर लो. 11 सारे क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगाना है. विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन को जा रही है, हार्ट से ब्रेन को जा रही है. ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड है तो आर्टरी होगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. कौन सी वाली होगी? कैरोटिड आर्टरी, ये भी डायरेक्ट है. विच अमीनो एसिड पेयर हैज अ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स? सिंपलेस्ट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, सिंपलेस्ट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है. जिन बच्चों बच्चे लाइव नहीं आ पाते हैं, नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे मेरे लेक्चर्स गिवन हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में रह जाते हैं, फिर प्लीज उन्हें भी देखिए और बार बार देख के उन्हें रिवाइज करिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स को. क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन और कॉम्प्लेक्स का ट्रिप्टोफेन. इन विच जोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फाइनल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस? ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अलग से बना दिया है इसको. प्रोग्रेसिव, डीग्रेसिव, ईग्रेसिव या इनग्रेसिव? इसका डायरेक्ट है डीग्रेसिव. एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो गलत ना हो. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज एब्सेंट इन द लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमंस? लेफ्ट लंग, दो लंग्स होते हैं पेयर्ड, तो कौन सा वाला एब्सेंट है? ए, मिडल लोब नहीं होता, सिर्फ ये वाले लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर. डीटीपी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? डीटीपी वैक्सीन किस में लगाया जाता है? पर्ट्यूसिस, कफ बहुत आता है इसके अंदर. इन विच टिश्यू डज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन एडल्ट्स? किधर बनेगा ब्लड? ये भी बहुत आसान है भाई, ये आपका बोन मैरो. रेड बोन मैरो मतलब ब्लड बनाएगा, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स. Which type of linkage is found in lactose? Milk sugar. बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे आपका पूरा रिविजन होगा अगर इसको सारे बच्चे तबीयत से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो. इसका क्या होगा? OH नीचे है तो बीटा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्लियल सेल? दिमाग में होते हैं मैक्रोफेजेस के फॉर्म में ग्लियल सेल्स, मोनोसाइट से बनते हैं. क्या चीज गलत है? ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट नहीं करते हैं, बैरियर बनाते हैं. न्यूरॉन्स कैन डिवाइड विद द हेल्प ऑफ ग्लियल सेल, ये तो गलत है भाई, तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है. यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई. माउस,
एक्स्ट्रा जीके का क्वेश्चन है. द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फोर लिम्ब. फोर लिम्ब ठीक है, नीचे वाला पैर वाला हाइंड लिम्ब. द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस इज. कितनी होती हैं? चार्ट देखोगे तो 30. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस सजेस्ट द अकरेंस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस. एनालॉगस बोले तो होमोलोगस दिखने में एक जैसे, फंक्शन अलग. एनालॉगस दिखने में अलग अलग पर फंक्शन एक. तो यही एंसेस्ट्रल ऑर्गन्स का रीअपेयरेंस तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये ट्रिक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन. कब लीगली डॉक्टर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है? ये अथॉरिटी इंडिया को कौन से ईयर पे मिली? डायरेक्ट लर्न करने वाला है 1971. द इंफॉर्मेशन इन विच ऑल्टरनेटिव इज इनकरेक्टली मैच्ड. ये वाला इनकरेक्टली मैच्ड है. बताओ. मेड्यूला ठीक है, लोअर बान ऑफ ब्रेन स्टेम पे आता है. आर्बोरविटे व्हाइट मैटर का है. ये कॉनस मेड्यूलरिस लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो घोड़े की पूंछ जैसी दिखती है. कॉर्निया कलर्ड पार्ट ऑफ आई. नहीं बच्चा, कॉर्निया कलर्ड नहीं है. ओवर एक्टिविटी ऑफ विच हार्मोन कॉज कुशिंग सिंड्रोम. हाइपर एक्टिविटी है, ज्यादा ही हार्मोन निकल गया तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा. किससे होगा? बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग. बहुत का अधिकतर बच्चे सही लगा रहे हैं, मैं देख रही हूँ चैट में. कॉर्टिसोल ठीक है, ये तो क्या है आपका? बर्थ गिविंग हार्मोन, मिल्क इजैक्यूलेटिंग हार्मोन. एल्डोस्टेरोन आपके लेवल को, पानी के लेवल को कंट्रोल कर रहा है. थायरोक्सिन तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल फीटस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम ड्यूरिंग 7th month. भाई माँ के पेट में अगर मेल चाइल्ड है तो टेस्टिस बन रही है. 7th-8th महीने में वो डिसेंड होकर एक्स्ट्रा एबिडोमिनल स्क्रॉटम में आ जाएंगी. अब नहीं आ पा रही हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्राइटोकोरिडिज्म. डायरेक्ट लर्न कर लो इसको. द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ये होता है पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब. या अगर आप इसको थोड़ा सा और ऐसे बनाएं तो पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होगा? जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका क्या, उनका नेचर क्या है? शॉर्ट पेप्टाइड्स, लेस देन 100 अमीनो एसिड्स ठीक है. हाउ लॉन्ग डज द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन? कॉर्पस ल्यूटियम कब तक प्रेग्नेंट वुमेन में रहता है? 4 महीने तक. वो येलो येलो कलर का बनता है ना ओवा को रिलीज करने के बाद, अगर मान लो लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो. हाउ डू कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल? पिल खाइए मुंह से, कैसे बर्थ कंट्रोल होगा? कैसे स्पर्म आपके ओवा से नहीं मिलके फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा? स्पर्म को नहीं खाता है, मोर्टिलिटी में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इसके. फर्टिलाइजिंग प्रिवेंशन मैच्यूरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. ओवा बनेगा ही नहीं तो क्या खाक ओव्यूलेशन होगा? लेम्प्रे लार्वा रिसेम्बलिंग एम्फियोक्सिस डिमॉन्स्ट्रेट्स.
ज्वाइन फास्ट स्टूडेंट्स, 70 क्वेश्चन पास्ट, क्या होगा 69 का? इट इज अ प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ना, लार्वा से एडल्ट में जाओगे तो प्रोग्रेसिव, पीछे चले गए तो रिट्रोग्रेसिव. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन इन्फेंट? बचपन में थायरोक्सिन नहीं बना, थायरॉइड ग्लैंड काम नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डायरेक्ट क्वेश्चन है हाइपो एक्टिविटी का, किस पे जाएगा? क्रिटिनिज्म पे, शॉर्ट स्टेचर है, मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है. ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन का मतलब सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं रहती है. अ कॉलोनी ऑफ ई कोलाई वॉज कल्चर्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन. After replication, they were transferred to a medium containing non-radioactive nitrogen. How many DNA molecules will be completely non-radioactive after the second replication? कहने का क्या मतलब है कि replicate करवा रहे हो और अलग अलग रेडियो आइसोटोप डाल रहे हो, तो बताओ. क्या होगा? कितने डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे अगर आप हर 20 मिनट में बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करा रहे हैं, आइसोटोप भी चेंज कर रहे हैं? बेटा डबल ही तो होंगे, एक से दो ही तो बनेगा ना, टू होंगे. क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर तो वही है. Which organism is considered to be a common ancestors of plants and animal? जिसका छूट जाए लाइव, मेरे बहुत सारे recorded lectures है पूरी human physiology सब के, बार बार उनको पढ़ना, ठीक है. जहाँ पर भी दिक्कत हो फिर पूछ लेना. Which organism is considered to be a common ancestor? क्या होगा? युगलीना. दिन में sunlight मिली तो autotrophic, रात में sunlight नहीं मिली तो flagella से शिकार, ठीक है. द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट स्टार्ट विथ AGTC, TA, AG, CTGA, GACT. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द mRNA ट्रांसक्राइब? सिर्फ इस यूनिट से कौन सा mRNA बनेगा वो बताना है. कौन सा mRNA बनेगा, बस सिर्फ इतना बताना है आप लोगों को. भाई AGTC है, ठीक है. अब आपको mRNA से तीन स्ट्रैंड्स और लेके आने हैं कोडोन के, तो AG, UG, UA, GC, UGA, GACU. इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट एज मॉलिक्यूलर ग्लू? मतलब जैसे ये वेक्टर डीएनए है, इसको आपको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? इसको जोड़ोगे कैसे? ग्लू से जोड़ोगे ना, टी फॉर लाइगेज, या आप इसको डीएनए लाइगेज भी कह सकते हैं. Which of the following disease spreads through indirect transmission? Direct contact में ना आकर indirectly फैल जाता है, indirectly. भाई किसी को रिंगवॉर्म हो रहा है, उसको छू लिया या उसके कपड़ों को छू लिया, ठीक है. पर यहां तो स्प्रेडिंग ही इनडायरेक्ट हो रही है, एक दूसरे से ना होकर, इसका मतलब है मॉस्क्यूटो से हो रही है मलेरिया. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है. बताओ, ये डायग्राम दे रखा है. ठीक है. The information in which alternative correct regarding the given image.
पहले बात तो ये कैसा टिश्यू दे रखा है, पहले तो ये पकड़ो और उसके बाद उसकी लोकेशन सही है कि नहीं है वो पकड़ लो। भाई आपको कैसी दिख रही है ये? चपटी टाइल की तरह दिख रही है ऐसा, तो पहली बात तो ये क्या होगी? पहली बात अब इसको सही कर लो, कॉलमनार है, स्क्वामस होगी, बमेंस कैप्सूल में होती है। हाँ भाई होती है। विडाल टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट विच पैथोजन। अगर बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है दैट मींस इन्फेक्शन है। कोविड का टेस्ट कैसे कर रहे हैं? एंटीबॉडी बन रही है दैट मींस कोविड है, कोई ना कोई पैथोजन बाहर से आया है। जब पैथोजन आता है तो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। साल्मोनेला टाइफी। हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972? एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ ये क्वेश्चन सीधे सीधे कि इसकी इनकी वजह से हुआ था। स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस? ठीक है, हम लोगों को तो एक घंटा लग गया, लेकिन आपको नीट के अंदर ये 90 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी विथ कॉन्फिडेंस नो नेगेटिविटी से करने हैं। तो अपनी एक्यूरेसी चेक करो और करो कि कितने सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन करते हो। किससे होगा? स्मॉल पॉक्स। अगर आप स्मॉल पॉक्स को देखेंगे, उसके वायरस को निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग टूल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप इन तीनों में से चारों में से देखोगे तो एक तो आपको वैसे ही ऑड वन आउट दिख रहा है, M13। ठीक है, चलिए 10 मोर क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड? टाइफॉइड में कौन सी दवाई दे सकते हो आप लोग, डॉक्टर लोग बनने वाले हो डॉक्टर? क्लोरामफेनिकॉल। फिर तो कंपोजिशन ही पढ़ लोगे, अभी देख लो। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज कॉमन इन ब्रीडिंग। एक ही जैसी प्रोजेनी बन रही है, कोई नयापन ही नहीं मिल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैच कोर्स में रोज 8 बजे जो इस चैनल पे आता है लेट्स क्रैक नीट यूजी में बताया था। सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर पे गिर रहे हो, क्या खाक नयापन दिखाओगे? द लेंथ ऑफ 4 DNA फ्रेगमेंट PQRS इज सच दैट P इज स्मॉलर देन Q, Q इज स्मॉलर देन R एंड R इज ग्रेटर देन S. वॉट वुड द पोजिशन ऑफ द 4 गिवन फ्रेगमेंट ऑन एगरोस जेल फ्रॉम कैथोड टू एनोड? हम लोग DNA सेटलिंग करते हैं ना कैथोड से एनोड की तरफ, ये जेल है एगरोस, तो इसमें DNA की क्या सेटलिंग डाउन होती है, सेडिमेंटेशन, तो किस तरीके से होगी? बताओ, ए वाला जो सबसे बड़ा होगा, फिर दूसरा एस, फिर क्यू, फिर पी, फिर सबसे छोटा वाला, तो आप क्या कर रहे हो? लार्ज से स्मॉल पे जा रहे हो भाई। यार बड़ा वाला है, उससे छोटा एस, उससे छोटा क्यू, उससे छोटा पी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटरफेरॉन्स? ट्रू अबाउट इंटरफेरॉन्स, हम कहते हैं ना कि अगर किसी सेल में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इंटरफेरॉन्स को रिलीज कर देंगे, मीन वाइल मैं तो मरूंगा ही पर बाकी सेल को बचा लेता हूँ। तो सिंपली दे आर एंटीवायरल। तो जब हम लोग वायरल जैसे एड्स का जब ट्रीटमेंट करते हैं ना तो इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट रिलेटेड टू पेरीप्लैनेट अमेरिकाना। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इन विच अल्टरनेटिव इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन। चारों हैं, बताइए कि पहला सही है कि गलत है, दूसरा सही है कि गलत है, तीसरा सही है, ये बताना है आपको सिंपल।
पर स्क्लेराइट्स आर प्रेजेंट ट्रू है, हार्ट लाइज इन पेरिकार्डियल हीमोसिल्स सही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया इज सही है, ब्लड सर नहीं, ब्लड तो है ही नहीं ना, हीमोसील है तो सी वाला। द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 20%। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन? बहुत आसान है, कितना होगा भाई? आपको रेशो पता है ना परसेंटेज का, क्या होगा? 30% AGTC। विच एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस? ये बैक्टीरिया है। अब आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी बैक्टीरिया पे बैठी हुई है, तो कौन सा एंजाइम निकालूँ इसमें से? सिंपल, टैग पॉलीमरेज, थर्मो है, हीट रेजिस्टेंट है। डॉट स्टैंड्स फॉर डॉट्स, टीबी के लिए एप्लीकेबल होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है, इन दोनों को तो देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। द लेवल ऑफ विच हॉर्मोन इज एलिवेटेड ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटियल फेज, जो रात में 8 बजे वाला बैच कोर्स है ना, उसमें जैसे आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म कर लेंगे, फिर फीमेल में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ये सब, ठीक है। क्या होगा, कौन सा हार्मोन एलिवेट कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। लास्ट क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड इज द प्रीकर्सर फॉर एपिनेफ्रिन? लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टुडेज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 90 क्वेश्चन नंबर 5। प्रीकर्सर ऑफ एपिनेफ्रिन, इट इज सिंपली टायरोसिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका बायोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 5। कल 6ठा मॉक टेस्ट ले रही हूँ, वो भी दिन में 1 बजे ही होगा इसी चैनल लेट्स क्रैक नीट UG पर। 1 बजे फिक्स आ जाना, इससे ज़्यादा बच्चे चाहिए मुझे। दूसरी बात ये है बच्चों, 2020 वाले बच्चे, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ बच्चों, जो भी आपने पढ़ लिया है बस उसे ही रिवाइज करिए। डोंट बिल्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट, डोंट एक्ट ऑन टू मच सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया। एक दूसरे से भी अभी कम बात करिए कि तेरा कितना सिलेबस हुआ। बी मेंटली प्रिपेयर, बी मेंटली करेज, खुश रहिए, थोड़ा कॉमेडी की चीज़ें देखिए, हंसिए बोलिए अपने पेरेंट्स से, एक कोने में जाके दिन भर मत पढ़िए। मॉक टेस्ट मेरे सारे के सारे अटेम्प्ट करिए, मैंने 10 मॉक टेस्ट बोले थे, 10 के बजाय मैं आपको 11-12 करा दूंगी। एक दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी करवा दूंगी, जिससे कि आपको नीट का फील आ जाएगी, भाई 3 घंटे का मॉक टेस्ट में कर दूंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग सॉल्व करना, बायो के हम लोग 90 क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने अभी धीमे धीमे भी 1 घंटे में कर लिए। सो बेटर है यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन इन एटलीस्ट 45 मिनट्स, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्विंग पार्ट ज़्यादा आता है, तो उसके भी पकड़ चाहिए। सिलेक्शन सिर्फ बायो से नहीं होगा, पर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट बायो से भी हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको इग्नोर नहीं करनी है, वरना वो आपको इग्नोर कर देगी, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? दूसरी बात स्टूडेंट्स, यस ओके, ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर कर देंगे। एक लाइव क्विज का ऑप्शन बहुत बढ़िया आ गया है अमन अकेडमी पर, वो मैं कल आपको जब खिलवाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये है बच्चों कि अभी मैंने 1 बजे का टाइम सेट कर दिया है, ठीक है, अभी हम लोग ऐप पर ना लेके इसी पे ही ले रहे हैं। मेरा टेलीग्राम आप लिख लो, टेलीग्राम लिखोगे तो खुश रहोगे, ठीक है, क्योंकि स्केड्यूल इसी पे ही आते हैं पूरे। 9, 10, 11, 12 चारों की बायो पढ़ाती हूँ। नीट के बच्चों के लिए अभी भी 2021 वालों के लिए वरदान है, लेना इसको, लीजिए आप नीट UG का सब्सक्रिप्शन 1 या 2 साल का, कोड है MB10, ठीक है। और रात में 8 बजे जो रोज इसी चैनल लेट्स क्रैक नीट UG पर बैच कोर्स ईयर लॉन्ग क्लास 12th आता है, वो तो चलता ही है, उसमें इकोलॉजी यूनिट हो चुकी है, बायोटेक्नोलॉजी हो चुकी है, हम लोग उसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो वो बढ़िया कोर्स चल रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज हम लोगों को देखना है,
हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया था, अब हम उसके फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को ख़त्म कर लेंगे, फिर कल ह्यूमन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है, उसमें ओजेनेसिस ये सारी चीज़ें देखेंगे, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। तो ये मॉक टेस्ट मैं आपके रोज़ ले रही हूँ, टिल 11 तारीख तक मैं लूँगी ये टेस्ट। 12 तारीख को मैं आपको फ्री छोड़ दूँगी, 12 तारीख को कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, कुछ मत करना, सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स रखना और 13 तारीख को नीट का एग्ज़ाम दे के आना। एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या रहा, क्या क्या नहीं रहा एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। सो बी कूल फ्रॉम योर माइंड, बस टेंशन फ्री, कुछ नहीं सोचना, ठीक है, ओके। चलो बच्चों, तो ये आपका मॉक टेस्ट हो गया, अब कल वापस से इसी 1 बजे यूट्यूब पर मॉक टेस्ट नंबर 6 के साथ मिलेंगे, ठीक है। और फिर एक फुल सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऐड करवाती हूँ, 45 फिजिक्स 45 केमिस्ट्री, तो आप लोगों को नीट का फील आ जाएगा कि यस नीट का एग्जाम हो गया। एंड वो 3 घंटे का ही टाइम रखेंगे, जैसे अभी तक कोई टाइम रखा नहीं है, जब तक चले, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 1 घंटे भी किया, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग इन दैट 3 आवर। तो वो टेस्ट कल तो नहीं है, पर परसों या फिर उसके बाद मैं रख देती हूँ, टेलीग्राम पे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़िए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके, नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेके 1 या 2 साल का, कोड है MB10, ये यूनिवर्सल कोड है। अनअकैडमी आपको बोलता है अच्छा तुम्हें IAS बनना है, ले भाई UPSC की तैयारी कर ले, तुम्हें प्रोफेसर बनना है CSIR नीट UG की तैयारी कर ले, तुम्हें फाउंडर CA बनना है चलो भाई CA की तैयारी कर लो, NDA में जाना है NDA की तैयारी कर लो, बैंक फोड़ना है SSC बैंक पे की तैयारी कर लो, IIT JEE नीट UG फाउंडेशन सब में मेरा कोड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है MB10। और 9th-10th की बायो तो मैं पढ़ाती हूँ, CBSE लेवल, NTSC, KVPY, NSC JS में कंप्लीट कराती हूँ, वो मैं सुबह पढ़ाती हूँ, चैनल लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC पर सुबह 9:15 AM पे सेशंस होते हैं रोज, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे तो स्केड्यूल डल ही जाता है, तो जो बच्चा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा उसको तो अपने पूरे जीवन में परेशानी नहीं होगी MB मैम के साथ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ले लोगे MB10 लेकर तो दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो फिर बस जुड़ने की तो देरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर विशेस, इट मीन्स अ लॉट टू मी, प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स, बाय।